रबी मौसम में औषधीय पौधों की खेती पारंपरिक फसलों को उगाने के लिए किसानों को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है इन फसलों की खेती में जहां अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है वहीं आय भी अनिश्चित होती है जो प्रायः अस्थिर मानसून पर निर्भर करती है वहीं दूसरी तरफ औषधीय पौधों की खेती में कम पूंजी और श्रम लगाकर कम भूमि पर अधिक फसल की प्राप्ति की जा सकती है इसके अलावा इनके स्थापित बाजारों में किसान इन्हें आसानी से बेच सकते हैं और इस तरह वो अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं अब हम तीन महत्वपूर्ण रबी औषधीय पौधों अश्वगंधा ईसबगोल और अफीम की खेती की विधि पर विचार करेंगे अश्वगंधा की खेती पछेती खरीफ फसल के रूप में की जाती है अगर आप एक भी सिंचाई नहीं दे पाते तो अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं सूखी मझौली और छोटी जमीन पर जहां दूसरी फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं वहां पर अश्वगंधा की खेती आसानी से हो सकती है अगस्त के आसपास जब मानसून लगभग समाप्ति पर हो तब एक किलो बीज को तीन ग्राम फाइटोलिन या ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर से उपचारित करें और उसके बाद 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई करें केवल बारिश का पानी ही इसके लिए काफी है इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पानी कहीं भी इकट्ठा ना होने पाए डेढ़ सौ से 170 दिनों के भीतर फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है आपको पत्तियां पीली होती हुई तथा बेरिया आधी पकी हुई दिखाई देने लगती हैं याद रहे बेरिया पूरी सूखने से पहले ही फसल काट लें अब पूरे पौधे को जड़ से निकाल लें आपके लिए औषधि के रूप में सिर्फ जड़ ही उपयोगी है जड़ को काटकर अलग कर लें जड़ों की छटाई करें और फिर उन्हें सुखाने के लिए धूप में रख दें जड़ों का श्रेणीकरण मुख्य रूप से उनकी मोटाई भुरभुरेपन और रंग के आधार पर किया जाता है श्रेणीकरण से मूल्य ज्यादा मिलता है ग्रेड ए जड़ों की मोटाई एक से डेढ़ सेंटीमीटर और लंबाई सात सेंटीमीटर होनी चाहिए जड़ें दिखने में मजबूत भुरभुरी और सफेद रंग की होनी चाहिए यह सबसे अच्छी किस्म की होती है ग्रेड बी की जड़ों की मोटाई लगभग एक सेंटीमीटर और लंबाई पांच सेंटीमीटर होनी चाहिए ये जड़ें भी भुर भुरी मजबूत और सफेद होती हैं ये भी अच्छी किस्म की होती हैं ग्रेड सी में मिश्र आकार की जड़ें होती हैं इनकी क्वालिटी औसत से थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है ग्रेड डी पतली पतली जड़ों को इस ग्रुप में रखा जाता है ये सामान्य क्वालिटी की होती हैं। मोटी और रेशेदार जड़ों को आमतौर पर अच्छी गुणवत्ता का नहीं माना जाता है जबकि एक जैसी लंबाई और मोटाई वाली जड़ों को निर्यात के लिए चुना जाता है ये सूखी हुई जड़ें मध्य प्रदेश के मनासा नीमच जैसी कृषि मंडियों में बेची जाती हैं अश्वगंधा हमारी पुस्तैनी फसल हैं कम पानी में भी ये फसल हमें फ़ायदा देती है एक एकड़ का लगभग 800 से एक हज़ार रुपये लमसम इसका खर्च आ जाता है यह लगभग एक एकड़ एक में यानी कि तीन क्विंटल के लगभग वन थर्ड के हिसाब से सूखी अश्वगंधा में प्राप्त होती है कि इस साल इसका मिनिमम तीन हज़ार से चार हज़ार रुपये के बीच का भाव है सब गोल और एक अन्य रबी की फसल है जिसके लिए कम सिंचाई की आवश्यकता होती है ऐसे इलाके जहां जाती हुई सर्दियों में यानी मार्च के आखिर में बारिश होती है इस फसल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है राजस्थान गुजरात और मध्य प्रदेश में इसकी पैदावार अधिक मात्रा में होती है गेहूं की फसल उगाने के लिए जितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है उससे आधी मात्रा में ई गोल की खेती के लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है केवल दो तीन सिंचाइयों से भी इसकी खेती आराम से हो सकती है इसकी खेती के लिए मिट्टी हल्की होनी चाहिए जमीन की जुताई करें और सारी मिट्टी समान कर लें बुआई से पहले 55 किलोग्राम डीएपी और साढ़े सात किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें अगर उस खेत में पहले दलहनी फसल की खेती की गई है तो खाद का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है नवंबर के तीसरे हफ्ते और दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में बुआई करें बीमारी से मुक्त अच्छी किस्म के बीज होने चाहिए एक किलोग्राम बीज में तीन ग्राम एप्रन या क्रिलेक्सेल मिलाकर बुआई के लिए तैयार करें एक हेक्टेयर के लिए तीन से चार किलोग्राम तक बीज काफी हैं बीज छित या फैलाकर डालने चाहिए बीज को मिट्टी से ढकने के लिए पेड़ की टहनी का इस्तेमाल करें ध्यान रहे बीज मिट्टी में गहरे तक नहीं जाने चाहिए सिंचाई के लिए पानी का बहाव धीमा होना चाहिए और सिंचाई भी हल्की होनी चाहिए 20 20-25 दिनों के बाद खेतों की निराई कर दें आखिर में 30 से 35 किलोग्राम यूरिया खेत में डालें तथा एक बार सिंचाई करें खेतों में आखिरी सिंचाई तब करनी चाहिए जब इसकी पाली लगभग मुलायम हो जाए पकने के लिए फसल को लगभग 110 से 120 दिनों का समय लगता है फसल पकने का समय मार्च से अप्रैल तक का है इस समय पत्तियों का रंग पीला और बाली का रंग भूरा होता है पके हुए बीज गुलाबी रंग के होते हैं जबकि कच्चे बीजों का रंग लाल सा होता है लगभग सुबह बजे, जब सूरज चढ़ना शुरू होता है तो कटाई शुरू कर दें। बीज अलग अलग करने के लिए आप ट्रैक्टर या बैल का प्रयोग कर सकते हैं या फिर ऐसे ही पीट पीट कर भी अलग कर बीजों को इकट्ठा करके साफ कर लें किसान इन बीजों को उत्तरी गुजरात तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश की मंडियों में बेचते हैं साथ ही बचा हुआ भूसा जानवरों के चारे के रूप में भी प्रयोग होता है गोली खेती इसलिए करता हूँ कि वो कम खर्चे में आ जाती है और कम पानी में आ जाती है तीन पानी में ये सुगोल बोला जाती है और एक बीघे में कम से कम पाँच कुंटल सुगल हो जाती है तो कम खर्चा उसमें कम से कम तीन हजार खर्चा आ जाता है पांच कुंटल हुई तो दो हजार के हिसाब से आप कितने बनते हैं उसके दस हजार अफीम की फसल के लिए पिछली दो फसलों के मुकाबले अधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है अफीम की खेती सरकार के नारकोटिक्स विभाग के नियंत्रण में होती है इसके लिए पहले लाइसेंस होना जरूरी है उत्तर प्रदेश में फैजाबाद बाराबंकी बरेली और शाहजहांपुर जिलों में मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम में राजस्थान में कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़ में ही इसे उगाया जाता है एक हेक्टेयर जमीन में पंद्रह टन गोबर खाद डालें, जुताई से इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। एक बार अच्छी तरह से जुताई होने के बाद जमीन तैयार हो जाती है जुताई के बाद 130 किलोग्राम यूरिया 250 किलोग्राम किलोग्राम सुपरफॉस्फेट पैंसठ किलोग्राम एमओपी प्रति हेक्टेयर जमीन में बुआई से ठीक पहले डालें नवंबर के पहले सप्ताह में बुआई पूरी कर लेनी चाहिए बोने से पहले एक किलोग्राम बीज में तीन ग्राम एप्रन या क्रिलेक्सेल डालें बुआई के लिए छितराव सर्वश्रेष्ठ विधि है आमतौर पर अफीम की खेती के लिए एक हेक्टेयर जमीन पर छह से सात किलोग्राम बीज बोए जाते हैं उत्तम गुणवत्ता वाले इन बीजों की कई किस्में किसानों के लिए उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान निदेशक राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान केंद्र बोरियावी आनंद गुजरात से संपर्क कर सकते हैं बुआई के 20-25 दिन के भीतर खरपतवार तथा मूल फसल के अतिरिक्त पौधों को हटाने के बाद सिंचाई शुरू की जाती है बुआई के 30-40 दिनों के बाद एक बार पुनः खरपतवार तथा मूल फसल के अतिरिक्त पौधों को निकाल दें। एक बार जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाए तो प्रति हेक्टेयर में पैंसठ किलोग्राम यूरिया डालना न भूले उसके बाद सिंचाई शुरू करें इसके बाद ये जरूरी है कि हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई की जाए यह सिंचाई कई बार फसल को पाले से बचाने में भी सहायक सिद्ध होती है एक बार जब अफीम के फूल निकल आए तो फिर से प्रति हेक्टेयर पर 65 किलोग्राम यूरिया डालें डाउनी मिल्ड्यू अफीम के पौधों पर लगने वाली सबसे बड़ी बीमारी है इसमें पत्तियां काली पड़ जाती हैं और मुरझाने लगती हैं साथ ही इनमें लगने वाले फल भी काले पड़ जाते हैं अफीम के पौधों को इस बीमारी से बचाने के लिए 10 लीटर पानी में 20 ग्राम रिडोमिल एमजेड मिलाएं और बुआई के 35, 55 और 75 दिनों के बाद छिड़काव करें अफीम निकालने के लिए डोडा प्रमुख भाग है बुआई के 115 से 120 दिन बाद यही डोडे अफीम निकालने योग्य हो जाते हैं इस प्रक्रिया को लैंसिंग कहते हैं जिसे आम बोलचाल की भाषा में चीरा लगाना भी कहा जाता है सुविधा के लिए खेत को तीन से चार भागों में बांट दिया जाता है प्रत्येक भाग में हर तीसरे या चौथे दिन ये प्रक्रिया की जाती है लैंसिंग के लिए एक विशेष चाकू नक्का का इस्तेमाल किया जाता है पके हुए फल में नक्का द्वारा लंबे लंबे चीरे लगाए जाते हैं यह प्रक्रिया प्रत्येक सीजन में तीन से चार बार चलती है यहां इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि लेंसिंग या चीरा लगाना हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ किया जाए साथ ही यह प्रक्रिया हमेशा दोपहर के बाद ही की जानी चाहिए रस का संग्रह सुबह जल्दी करना चाहिए इसके लिए चिरफला का इस्तेमाल करें अफीम के बीज खाना बनाने की विधि में भी प्रयोग किए जाते हैं सूखी अफीम को सरकारी दर पर जिला अफीम कार्यालय में बेचा जाता है अफीम किसान की मेन क्रॉप है क्योंकि जो अन्य फसलें होती है गेहूं है यह लसन है उससे अफीम में अधिक पैसा मिलता है ये बीस आरी का पट्टा है बीस आरी में हमें दो कुंटल इसमें खसखस बैठता है और अफिम भी इसमें अच्छी आ जाती है तो ये हमें खसखस -खस के भाव अच्छे मिलते हैं इससे क्या है कि किसान को बढ़िया फायदा होता है और 1100 की रेट का भी पैसा हमें वहाँ से मिलता है सरकार से तो वो भी हमें काफ़ी फायदा हो जाता है बाकी फसल कोई भी है वो इसका मुकाबला नहीं कर सकती है तो इस तरह आपके पास तीन विकल्प हैं अब आपको इनमें से एक को चुनना है यदि साधन सीमित हैं तो अश्वगंधा और ई सब गोल की खेती करें और अगर पर्याप्त मात्रा में पूंजी और साधन है तो अफीम की खेती कीजिए बशर्ते आपको अफीम उगाने का लाइसेंस मिला हुआ हो इन औषधीय पौधों की खेती न सिर्फ आपका आर्थिक स्तर उठाएगी बल्कि साल दर साल नकदी फसल उगाने में सहायक भी सिद्ध होगी